क्या पढ़ रहे थे बेटा? फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे बता दो यार। अरे नहीं बताओगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की। ठीक है, लेंथ का किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है किसका? टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर में आपको पहला बताया था कंडक्टर के लिए क्या हो जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू टी कह दो या टी टेम्परेचर पे, रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, सेमी कंडक्टर में माइनस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होता है ना। चलो शुरू करते हैं ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ, बेटा बातचीत प्लीज बंद करना। पहला कंडक्टर का बना रहे हैं बेटा, कंडक्टर के लिए ग्राफ कितना होगा, कैसे होगा? रो और बेटा क्या होता है, बढ़ता है या बढ़ जाता है? बोले सर यहां से क्यों? क्योंकि बेटा टेम्परेचर जीरो होगा तो भी स्पेसिफिक क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा ही होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऐसा थोड़ी है जीरो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, कुछ तो होगा, इसीलिए जीरो टेम्परेचर होने पर भी थोड़ी बहुत रेजिस्टिविटी होती है। ये किसके लिए है? कंडक्टर के लिए। दूसरा कौन सा मैंने बताया था बेटा? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कम होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? अबे पढ़े हो तुम लोग, ग्राफ में पढ़ाया भी हूं। पैराबोला है ये कि हाइपरबोला है? वो है पैराबोला, ये है हाइपरबोला। हाइपरबोला ई और आर में याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा सरफेस पे। तीसरा एलॉय जानते बेटा? एलॉय मोर देन वन मेटल मिलके के जब हम बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एलॉय। बना लीजिए, तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू, नीट वाले विशेष ध्यान देना। अच्छा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कौन था बेटा? कंडक्टेंस। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कौन होगा? कंडक्टिविटी। ठीक है, आसान है ना? रेजिस्टेंस का बेटा कंडक्टेंस था जी, इन्वर्सली रेसिप्रोकल। तो रेजिस्टिविटी की क्या होगी? कंडक्टिविटी। हो गया, हेडिंग डालो, बनाओ बेटा फटाफट।
अभी दो लोग एब्सेंट हैं, क्यों? चलो हेडिंग डालो, कंडक्टिविटी। बातचीत नहीं करो, कंडक्टिविटी। सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। सिग्मा जानते हो कैसे लिखते हैं? छह को लिटा देते हैं, ठीक है। क्या होता है कंडक्टिविटी? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। लिखो, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी, और जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी यदि मैक्सिमम होगी तो रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होगी। रेजिस्टेंस में तो यही था बेटा कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था उसका कंडक्टेंस कम था, ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस कम था उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा थी, ठीक है। ये बिल्कुल जस्ट रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है। लिखो, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। बात नहीं बेटा, बात मत करो प्लीज। ठीक, यूनिट की बात करें, ओम अपान वन अपान ओम मीटर, या फिर इसी क्या लिखता है बेटा, महो भाई मीटर। डायमेंशन लिख सकते हो, डायमेंशन, ठीक है, लिखो फटाफट। बेटा पहली क्लास है, ये 10% भी समझ में आ गया तो एक वीक के अंदर पूरा समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब पहली क्लास फिजिक्स बीच से पढ़ना शुरू कर दिया, एक दो क्लास पहले आए होते ना तो जस्ट चैप्टर स्टार्ट था, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कोई टेंशन नहीं, पूरा हो जाएगा, रिवाइज भी होगा, जो छूटा हुआ है वो पूरा भी कराया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो बेटा, इसीलिए मैं 15 जून के बाद तुरंत नहीं स्टार्ट किया रिविज़न कि पीछे का करवाऊँ, क्योंकि 15 जून के बाद कितने लोग आए हैं, आप भी बेटा 15 जून के बाद आए हो, आप भी आए हो, तो और लोग को आ जाने दो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बाकी आप कहोगे तो रिवीजन करा देंगे, आप भी आ जाइएगा, मैं पता कर लूँगा। यदि आप लोगों की क्लास नहीं होगी
पाँच से। आप किस स्कूल में बेटा? कितने बजे स्कूल? टेंशन ही खत्म, मैं पता कर लूँगा। तो सुबह पाँच से क्लास है, आप लोग को साढ़े चार बुला लूँगा, 45-45 मिनट रोज हो जाएगा, ठीक। हो गया। इधर मुंडी ऐसे कर दूंगा, ऐसे ऐसे काहे घूम जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज वन इन एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन हो, यदि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, तो कंडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी का, सॉरी, रेजिस्टिविटी का जो होगा मल्टीप्लिकेशन, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? वन। तो मैं कहता हूँ सिग्मा इंटू रो इज वन। किस? कब? ऑलवेज। सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ये वैल्यू हमेशा वन नहीं आएगी, तो लिखो, नोट पॉइंट में लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इज ऑलवेज वन। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन बनाया है नीट वालों ने। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा, द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक रजिस्टर, द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक रजिस्टर इज इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ The product of resistivity and conductivity is, first option लिखो, increase, second option लिखो, decrease, थर्ड ऑप्शन लिखो, रिमेन कांस्टेंट एंड वन, चौथा लिखो, मे बी इंक्रीज, पहला ऑप्शन मैंने क्या दिया था? इंक्रीज, फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज, सेकेंड डिक्रीज, थर्ड रिमेन कांस्टेंट एंड वन, फोर्थ ऑप्शन लिखो, मे इंक्रीज, मे डिक्रीज, डिपेंड अपॉन मटेरियल, कौन सा होगा? में इंक्रीज में डिक्रीज, डिपेंड अपॉन मटेरियल, सी डी,
कोई ए वाला भी तो होगा बेटा, दो में कंफ्यूजन। चलो मान लिया ऐसा मटेरियल तुम्हारे अकॉर्डिंग जिसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ रहा है बेटा, रेजिस्टेंस। तो क्या बढ़ रही है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी केवल टेम्परेचर भी डिपेंड करती है, लेंथ वेंथ और चीज़ों पे। ठीक है, मटेरियल भी डिपेंड करती है और शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। मान लिया बढ़ गई, कितना बढ़ गई, पहले 1 थी 1.5 हो गई, ये 1.5 हो गई डिवाइडेड अपॉन 1/1.5 ही तो होगा, 1.5। ठीक है, इसीलिए कितना होगा हमेशा 1। टेम्परेचर एम्परेचर किसी पे डिपेंड नहीं करता, आंसर लगा लो 1। सी, नोट पॉइंट में लिखो, प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी हमेशा एक ही होता है। टेम्परेचर बढ़े घटे कोई फर्क, टेम्परेचर बढ़े घटे, प्रेशर बढ़े घटे, कोई भी परिवर्तन हो, ठीक है, किस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलिए अभी यहीं थोड़ा सा बताता हूँ बेटा, अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आपको मैं पूरा बताऊंगा। पावर, पावर क्या होता है, पावर पी इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या होती है बेटा, V इक्वल टू आई आर। आई स्क्वायर अपन, ठीक है, दिख रहा है ना आई स्क्वायर। इसको और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बेटा, हम आई स्क्वायर को आई स्क्वायर R इंटू आर अपान आर लिख दें, कोई दिक्कत आपको नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी को लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपान आर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये वी स्क्वायर है, क्या वी स्क्वायर है, क्लियर हो गया। पहली क्लास में बताया था, क्या बताया था बेटा, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक, नोट करिए,
हो गया बेटा, डालो हेडिंग, हेडिंग नहीं नोट पॉइंट लिखो, तो इंपॉर्टेंट चार केसेस हैं बता दे रहा हूं। इफ नहीं लिखो बस नोट पॉइंट में, इफ मास एंड मटेरियल आर सेम, मास भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, फाइंड आउट न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या क्या सेम है बेटा? मास और मटेरियल। चलो अच्छा एक जनरल फार्मूला मैं आपको बताऊं, रो इज इक्वल टू क्या था बेटा? अरे भाई एल यही तो था, देन आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए होगा, ठीक है। केस फर्स्ट, ठीक। अब देखो रेजिस्टेंस में अक्सर ये पॉइंट छोड़ देते हैं, जैसे कैपेसिटेंस में डायरेक्ट पैरेलल सीरीज पढ़ा दिए और बताया नहीं कि सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करो या अनसॉल्व लगाओ 32 ईयर आईआईटी नीट के, तो कैपेसिटर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको मिलता है वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पर ही मिलता है, ठीक है। वैसे ही रेजिस्टेंस में बेटा सीरीज और पैरेलल बेटा बच्चों का खेल है, उस पर बहुत कम क्वेश्चन आएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो केस फर्स्ट क्या था? ठीक है, ये कोई वायर है एरिया ए और लेंथ कितना है इसका बेटा? ठीक है, यदि इसके आर की वैल्यू फाइंड करो, आर इज इक्वल टू क्या होगा? रो एल अपान ए। अब कह रहे हैं हमें मास हम चेंज नहीं कर रहे हैं और मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो बेटा हम क्या नहीं चेंज कर सकते हैं? रो नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि मास चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या इसकी हम लेंथ चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या इसका एरिया हम चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। इन दोनों में कोई भी चेंज होगा क्या रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक। तो केस फर्स्ट में क्या कर रहा है? इसको उठाया और फोल्ड कर दिया, अरे यार ये है ठीक एल लेंथ का, पकड़ा और घुमा दिया और ऐसे बना दिया। कितने लोग परेशान है, सर ये वाला बीच में नहीं बनाया। अबे बनाओ ना बनाओ कोई फर्क पड़ेगा, बना दिया ऐसा। यदि ऐसा बना दिया तो क्या इसका एरिया डबल हो गया क्या? ठीक है, और लेंथ हाफ हो गया। अब यदि मैं यहां आर डैश की बात करूं, मान लिया इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर डैश। अब आर डैश की वैल्यू यदि आपको निकालने को कह दे, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई टू अपॉन
टू ए, ठीक है, कितना हो गया ये आर डैश रो, पता है कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है, वन बाई फाइव डिवाइडेड बाई फाइव, या फिर वन बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई वन बाई फाइव, ठीक है। चलो बेसिक मैथ है, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। रो एल अपान फोर ए कर दूं क्या मैं, हो गया। अच्छा ये वैल्यू क्या है बेटा, आर की वैल्यू है, तो क्या मैं आर के टर्म में लिख सकता हूं आर डैश इज इक्वल टू आर बाई पहला, सही बताओ किसके समझ में नहीं आया, आ गया। ये तो चेंज नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, खड़े हो बेटा आप, खड़े जाओ, कोई आएगा बताएंगे, नहीं आएगा नहीं बताएंगे, इसमें इतना, अच्छा बैठ के बताओ, इतना टेंशन खड़े होते होते ही इतना टेंशन। अच्छा ये बताओ, ये वैल्यू इसके लिए और इसके लिए सेम होगा या अलग अलग होगा, जो मन करे वो बताओ, बस गलत ही होगा ना, सेम होगा, क्यों, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है बेटा, और रो किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यदि मटेरियल चेंज नहीं होगा तो रो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है नोट करो, कुछ जैसे पूछे तो एकदम हंस के बताया करो, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, गलत हो जाएगा तो इसे थोड़े पंखे पे टांग दिए, ऐसा केवल अकबर करते थे, मतलब अकबर नहीं राजा करते थे, कि पसंद नहीं आई कोई बात, काम खत्म, क्योंकि जर जोरी और जल्लाद तीनों वही होता था, जो उसका मन किया हाँ ठीक है। अब ये नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग, चाचा ने कहा हो सकता है विद्रोह हो जाए, कहा पहले चाचा को मारो, इनको गर्दन उड़ाओ, तो इन्होंने सोचा कैसे विद्रोह के बारे, विद्रोह कह रहे हो तो किसी के दिमाग में आ सकता है, बाकी लोग अपने आप शांत हो गए, बोले ना ना विद्रोह कोई करी कभी बात ही नहीं हो सकती है, देख एक चाचा को उड़ा दिया तो हमें उड़ाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हो गया बेटा, अच्छा यहां पे हमें क्या पता लगा था, हमें ये पता लग गया था कि लेंथ को हाफ कर रहा है, इसको फोल्ड कर रहा है, यदि क्वेश्चन में आपको दे कि फोल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और एरिया हाफ हो रहा है, ठीक है, फिर कैसे निकालेंगे, हाँ और लेंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लगा लेंगे तो ठीक, नहीं लगाएंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड अब एरिया हाफ होने का मतलब क्या है, या तो कट कर दो इसे, जोड़ दिए, ठीक है, या फिर स्ट्रेच कर दो, ठीक है, खिंचता है लोहा, मेटल खिंचता है, बशर्ते हमारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए, ठीक है, मशीन में लगाते हैं खींचते हैं स्ट्रेच करते हैं बेटा, स्ट्रेच होता है। अब आप पढ़े होगे इलेवेंथ में इलास्टिसिटी, तो वहाँ आता है स्टील की इलास्टिसिटी रबर से ज़्यादा होती है, पढ़े हो कि नहीं, ठीक है, हमें लगता है चिचिया आ रहे खींच रहे, खींच ही नहीं रहा,
ठीक है, पावर भी तो उतनी होनी चाहिए। और इलास्टिसिटी उसे कहते हैं ना बेटा जो रिस्टोरिंग फोर्स हटाने के बाद वापस आ जाए, ठीक है, तभी इलास्टिसिटी है। हो गया। सेकंड देखो बेटा, रब करो इसको, ड्यू स्ट्रेच, एरिया बिकम अब जो पहला केस था बेटा, जिसको पता है, याद है, कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया कि एरिया हाफ होगा तो लेंथ डबल हो जाएगा, वो तो निकाल ही लेगा। पता लगा कुछ लोग को नहीं याद आ रहा, उनके लिए रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के पावर। ये आर रेडियस है बेटा, ये आर क्या है, स्मॉल आर रेडियस है। देखो पहले ये था एरिया, ठीक है, लेंथ की मैं कोई बात ही नहीं कर रहा, इसको स्ट्रेच कर दिया, एरिया क्या हो गया बेटा, ए बाई टू। ठीक, तो अभी रेजिस्टेंस जो आर होगा, रो छोड़ दो एल को, रो भाई ए है, मैंने लेंथ की बात ही नहीं किया कि अब लेंथ के, लेंथ को लेके आप परेशान ही मत होइए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, आर डैश प्रोपोर्शनल टू रो अपान ए बाई टू का चलो रो भी हटा दिया, खैर रो तो चेंज ही नहीं होगा। ये कितना हो गया, आर डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन फोर। क्लियर है, करो फटाफट। तो आर डैश की वैल्यू बढ़ेगी घटी, आर डैश इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, समझ में आया कि नहीं, ये वन बाई ए स्क्वायर और ये फोर बाई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 4R। मैंने लेंथ कहीं नहीं लिया, यदि आप लेंथ का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो बेस्ट है, बाय द वे आप भूल गए तो आप याद रखिए। ये थर्ड केस, ड्यू स्ट्रेच लेंथ बिकम डबल, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ठीक, हम इसमें एरिया की अब कोई बात नहीं करेंगे, एरिया हाफ हुआ या क्या हुआ,
बस ये देख रहे हैं कि स्ट्रेच कर दिए और लेंथ कितना हो गया, 2L हो गया। तो R डैश इज प्रोपोर्शनल टू 2L का होल स्क्वायर। ये L स्क्वायर ही प्रोपोर्शनल टू R था, ठीक है। तो कितना हो गया, R डैश इज इक्वल टू 4R, ठीक है। सेकेंड केस, सेकेंड केस में दो है बेटा, पहला क्या है और दूसरा क्या है। पहला क्या है, हम स्ट्रेच कर रहे हैं और एरिया क्या हो रहा है, हाफ। लेंथ की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेंथ L हो रहा है, 2L हो रहा है, 3L हो रहा है, छोड़ दिए। बस दिया है कि एरिया हाफ, एरिया कितना हो रहा है, हाफ। तो वहां सीधे R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। दूसरा, स्ट्रेच किया, लेंथ बढ़ रही है, एरिया के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। और स्ट्रेच किया, यदि उसने एरिया और लेंथ दोनों के बारे में दिया, तो आप पहुंच जाओ फिर मेन फार्मूला, R इज इक्वल टू रो L अपान, ये दोनों देगा तो हम सीधे ये लगा देंगे, ठीक। वैसे अंडरस्टैंडिंग यदि अच्छी है ना, तो ये कंडीशन में पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि बेटा लेंथ ये डबल होगा तो एरिया हाफ हो जाएगा। एरिया यदि हाफ होता है बेटा, तो लेंथ 4 टाइम बढ़ता है, पता है कि नहीं। एरिया यदि हाफ होगा तो लेंथ कितने टाइम बढ़ता है, 4 टाइम। बताऊं कैसे, ये हीट में आप पढ़े होंगे। ये एरिया है, ठीक है। एरिया हाफ का मतलब हम डायमीटर क्या कर दें, आधा। टू आर या इसका बेटा एक का 2R मान लिए, एक का 2R मान लिए, मान लो 4R, यही है, बोलो। तो इसका रेडियस कितना है बेटा, 2R है, आधा कर दिए, इसका रेडियस कितना है, R R है, इसका रेडियस कितना है, 2R है। 4 का रेडियस कितना है, 2R, बोलो। अरे यार, 4 मतलब ये 2 का रेडियस हो गया ना, 2R, इसका कितना है, R। यदि बेटा एरिया हमने कितना किया, हाफ, तो लेंथ कितने टाइम बढ़ेगी, यार समझ में आ रहा है कि नहीं, आ गया। यदि हीट पड़े होगे तो वहां पे रहा होगा रॉड का केस। चलो, अब आपने घुमा दिया है उसको, तो आपने एरिया डबल कर दिया। एरिया डबल करने का मतलब आपने ये डबल बता दिया, पहले ये था और अब ये हो गया। इधर भी तो आना चाहिए डबल,
ए है, ये ऊपर डबल हुआ, साइड में भी तो डबलिंग होनी चाहिए। चलो वो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया, वो एडवांस लेवल का हो गया, बाद में। चलो अगला पार्ट देखते हैं, सबसे आसान पार्ट है, थर्ड। वायर कट एन टाइम्स, ठीक है, इसको हमने कितने बार कट कर दिया, एन टाइम। मान लीजिए इसका लेंथ एल है, उसका रेजिस्टेंस आर है, इसको छोटे छोटे पार्ट में हमने काट दिया, एन टाइम हमने कट कर दिया। अब ना स्ट्रेच किया ना कुछ किया, इसको एन टाइम कट कर दिया, तो एक की लेंथ कितनी हुई, एल बाई एन, और एक का रेजिस्टेंस कितना हुआ बेटा, आर बाई एन। क्लियर हो गया, बस सिंपल बात। क्वेश्चन एक करा दो, इस पे नोट करो फटाफट। इस पे अभी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, अभी तो कर लोगे, तीन क्लास बीतने दो, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, दो क्लास, अभी तो कर लोगे। लेंथ बेटा 10 मीटर, लेंथ 1 मीटर है, रेजिस्टेंस कितना है, मान लो 10 ओम है, और 10 इक्वल टुकड़ों में हमने काट दिया, तो एक एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना होगा, एक एक ओम होगा, ठीक है, अभी बता दोगे। 1 2 3 तीन क्लास बाद मैक्सिमम। हो गया बेटा, रब कर दूं ना, क्वेश्चन नोट करो, तो इंपॉर्टेंट डाल देना। अरे परमानेंट बोल रहे हो, वियर आई, ठीक। आर वन बड़ा होगा या आर टू बड़ा होगा, टी वन बड़ा होगा या टी टू बड़ा होगा, ये बेटा आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ के लिए हो भी सकता है और नहीं भी। जल्दी सॉल्व करो, टाइम नहीं लगाओ। ऐसे ही बताओ, किसको इसको लग रहा है कि सेम ग्राफ ही तो है, सेम लग रहा है बेटा, कोई अंतर नहीं,
बहुत अंतर है बेटा, खुफिया जगह पे अंतर है। या एक्स और वाई एक्सिस को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ वाई एक्सिस पे वी पोटेंशियल है और एक्स एक्सिस पे करंट आई है। यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है, करंट है, और एक्स एक्सिस पे, और ये दिया हुआ है बेटा, ये जो बना हुआ है ये किस में बना हुआ है, दो के दोनों बने हुए हैं मेटल में। करंट का फ्लो जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है बेटा, मेटल में। और करंट देगा कभी कभी आपको, कुछ नहीं देगा तो भी आप क्या मानोगे उसको, मेटल या कंडक्टर। यदि सेमीकंडक्टर को देना होगा तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, ठीक है। अबे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग नहीं, बिल्कुल न्यूटन ना बनो या किरचॉफ, चुपचाप इक्वेशन से सॉल्व करो। मैंने आपको सॉल्व करने बताया है ग्राफ कॉन्सेप्ट में। मेरे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मी, हु आर यू किरचॉफ, ठीक है। सौरभ सर है क्या, दो पांच मिनट और। दिमाग में होगा तब ना आएगा, आ गया। चलो सबसे आ गया ना बेटा, बताओ R1 R2 में कौन बड़ा है, R2 T1 T2 में T2, इसका भी आ गया, इसमें कौन बड़ा है, चलो सॉल्व कर दे, नहीं समझ में आया। टोपा स्लोप इज इक्वल टू dy बाई dx, बताया है कि नहीं आपको, ये बताओ स्लोप क्या है बेटा, v बाई i इज इक्वल टू r, ठीक है। और स्लोप क्या होता है, किसी कर्व का थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसी का टैन उसका स्लोप कहलाता है, लिखा था ये। तो ये बेटा हो गया थीटा वन और ये हो गया थीटा टू। आपको 90 से कमी हो, आपको दिख रहा है कि थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, देन टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन टेन थीटा वन। तो इसका मतलब आर टू इज ग्रेटर देन आर वन। अच्छा, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है कि ज्यादा, ज्यादा होता है मेटल में, ठीक है। तो यहां से आ गया टी टू इज ग्रेटर देन टी वन। बिल्कुल समझ में नहीं आया, सिंपल था बिल्कुल। दूसरा,
यहां यदि मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आई बाई वी वन बाई आर। ठीक है, यहां पे भी क्या है बेटा, थीटा वन इज ग्रेटर सॉरी थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, तो वन बाई आर वन सॉरी वन बाई आर टू इज ग्रेटर देन वन बाई आर वन। क्यों? क्योंकि टेन थीटा वन सॉरी थीटा टू इज ग्रेटर देन टेन थीटा वन, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, वन बाई आर ही तो है। अच्छा, वन बाई आर टू बड़ा है, इसका मतलब आर टू छोटा है। वन बाई आर टू बड़ा है, इसका मतलब आर टू छोटा है। देखो बेटा, वन बाई आर टू बड़ा है पांच, वन बाई आर टू बड़ा है वन बाई आर टू, तो आर टू की वैल्यू कितनी हो गई, पांच। आर वन छोटा है तो आर वन की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो यहां क्या हो जाएगा, आर वन इज ग्रेटर देन आर टू देन टेम्परेचर टी वन इज ग्रेटर देन टी टू। आंख बंद करके इस ग्राफ की रीडिंग मत करना आपको बेटा, मैंने ग्राफ कॉन्सेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली इसीलिए पढ़ाया है कि क्वेश्चन में इनका यूज होता है। ठीक है, सिंपल था, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ग्राफ का तो सिंपल क्वेश्चन था। छापो जल्दी।